लखनऊ, और आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको लेकर आया हूँ चौक। वैसे तो चौक चिकन के लिए फेमस है, मगर दोनों ही चिकन के लिए फेमस हो, चाहे वो खाने का हो या पहनने का हो। और उसके अलावा भी चौक में काफ़ी चीज़ें फेमस हैं, जैसे राजा की ठंडाई और परंपरा की मिठाई, और ऐसे ही एक सुप्रसिद्ध जिसे हम कहेंगे 1983 से जो प्रसिद्ध है वो है श्री लस्सी। और आज मैं उसी फर्म पर आपको लेकर आया हूँ, और हम बात करेंगे उनकी नई फर्म के मालिक रोहित गुप्ता जी से, कि कल ही उन्होंने अपनी फर्म का इनोग्रेशन किया है। नमस्कार रोहित जी, कैसे हैं? और बताइए कैसा आपका फर्म का? बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली दूसरी फर्म का खोलने का ये उद्देश्य था कि कुछ नए आइटम्स को लेकर हम लोग आए हैं। अच्छा, क्योंकि अभी तक बहुत पुराने आइटम्स सारे वही चल रहे थे, कल्चर वही जगह के बहुत इशूज थे, तो अभी हम लोग स्वीट्स में आ गए हैं दोबारा। अच्छा, दोबारा स्वीट्स में आ गए। पहले वहाँ स्वीट्स नहीं था, वहाँ लस्सी छोला भटूरा मेन तो अपने आइटम दोनों फेमस है, वो चलते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत और ऐड चलता था आइटम, जैसे रबड़ी बन गई तो बन गई, वो बन गया, बेगोदार बन गया, पनीर दही, और हम लोग स्वीट्स में आ गए हैं। कम्प्लीटली स्वीट्स को डील कर रहे हैं थोड़ा, और दही बड़ा, समोसा, थोड़ा सा बिल्कुल लाइटली फूड भी लोग आ गए हैं, कढ़ी चावल, दाल चावल, मतलब घर से टिफिन कोई भूल गया है तो वो बहुत तीखा नहीं खाना चाहता तो कढ़ी चावल खा ले, बिल्कुल घर जैसा खाना, दाल चावल खा ले, राजमा पंजाबी जैसे वो बहुत पसंद करते हैं लोग। और चौक के लोग क्या मतलब बोलिए कि पुराने लखनऊ की चटोरी ढूंढ लीजिए जो मिल जाए अच्छा से अच्छा खाने को, और यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी चाहिए सबको, क्वालिटी में कोई तो, और अगर जरा सा भी उम्मीद जैसे आप वो बोल देंगे साहब ये कमी है आज, मतलब इतनी लोगों को फर्क है खाने की, तो ये अगर कोई सोचे कि पुराने लखनऊ के लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं खाने पीने मामले में, तो उसकी भूल जाएगी का अनुभव है, बस पूरा अनुभव है। अगर एक चम्मच में कोई कम है और बाई चांस कम हुई तो बोल देने साहब ये कम, तो इतनी फर्क लोगों को है। तो हम लोग आ गए अच्छे से, पूरे स्वीट्स में आ गए हैं, सारे स्वीट्स ले लिए, पनीर जी होली की तैयारी है गुजिया को लेकर, प्लेन गुजिया या ब्रेड गुजिया, कश्मीरी गुजिया, ड्राई फ्रूट स्वीट्स है, गोल्ड लीफ, गोल्ड लीफ गुजिया बनेगी अभी, गोल्ड लीफ। अच्छा, उसमें क्या डिफरेंस है खोए वाली में? क्या वो अच्छा, उसमें कुछ एडिशनल मिक्स किया हुआ है क्या? गोल्ड बर्फ जो लगती है ऊपर, अच्छा गोल्ड ऑर्डर लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा, सोने की बर्फ ऑन डिमांड हाँ होती है। अच्छा, बनती है, बिकती भी है, पर बर्फ नहीं लगती, जनरली ये चलती है। मतलब कस्टमर अगर एक बार आपकी शॉप पर आ जाएगा तो उसे परंपरा, हमारा सारा उद्देश्य है क्वालिटी, क्वालिटी और सिर्फ क्वालिटी मेंटेन रखनी है, बिल्कुल कोई रेट के इशू नहीं है, रेट के बहुत मिनिमम रेट रखते हैं, ऐसा नहीं कि रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे क्या है कि क्वालिटी, अभी कोरोना को देखते हुए भी आपने हाईजैक कर दिया होगा थोड़ा, हम लोगों ने हाँ कर रखा है, लड़के मास्क लैब वगैरह काम कर रहे हैं, सब लोग हाइजीन का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत तो हमने देखा कि श्री लस्सी पर हैं इस समय हम, और मेन्यू उन्होंने बताया रोहित जी ने, और भी आते हैं हम एक डायरेक्ट लिस्ट पर चले जाते हैं ताकि हमारे चैनल के माध्यम से लोग यहाँ लिस्ट देख लें, और रीजनेबल रेट पर जो चीज़ अवेलेबल है यहाँ, और यहाँ के खाने का पूरा मज़ा लें। दो समोसा रहता बेटा, आप बीती जग बीती से संवाददाता मुकेश की एक।